तरफ चार धाम यात्रा। और आज क्या डेट है? आज है 19 जून। छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और छुट्टियों का एंजॉय करने हम चल दिए हैं उत्तराखंड की तरफ। इलेक्शन चल रहा है हरियाणा के अंदर, तो इलेक्शन की वजह से वोट देना बहुत जरूरी था। ये देखो 12:30 के आसपास चले हैं, 12:30 बजे के आसपास हम चले थे और अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम हुआ है 1:30 बजने वाला है, 1:20 हो चुके हैं और हम अभी जो है नाहन क्रॉस कर लिया है हमने। हम जा रहे हैं इस टाइम पोटा साहिब की तरफ जा रहे हैं और पोटा साहिब के बाद हम जाएंगे यमुनोत्री। सबसे पहले हम यमुनोत्री माता के दर्शन करने जाएंगे, बहुत ही इंजॉय होने वाला है। माहिर सोया पड़ा है और हम तीनों ही हैं इस बार, क्योंकि लास्ट ट्रिप के अंदर हमारे साथ एक फैमिली और थी, हमारे फ्रेंड्स थे, लेकिन अब वो नहीं जा सकते थे, इस वजह से हम जा रहे हैं। फुल इंजॉय करेंगे इस बार, दिखाएंगे आपको। गौरव ने आज वोट दिया और ऐसा ही निशान कुछ माहिर के हाथ पे, ये देखिए। माहिर ने लेकिन वोट नहीं, लेकिन माहिर ने आज पोलियो की दवाई पी है। 15-16 में गए थे हम पहले, यमुनोत्री गए थे, गंगोत्री और बद्रीनाथ गए थे। इस बार हम काफी सालों के बाद जा रहे हैं, देखते हैं कितना चेंज होगा वहाँ पे। नाहन से पोटा साहिब रोड के ऊपर हमें यहाँ पे लंगर मिला और हमने लंगर यहाँ पे टेस्ट किया, बहुत टेस्टी था, क्योंकि हम लंच नहीं करके आए थे और हमारी किस्मत बड़ी अच्छी निकली। यमुनोत्री के रास्ते के ऊपर ही अभी हम, एक रास्ता चक्रता की तरफ जा रहा था, पीछे था रास्ता, और हम यमुनोत्री की तरफ मुड़ चुके थे। काफी जंगल सारा है और यहाँ पे बहुत हरियाली आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है सच में। बहुत ही बढ़िया इलाका है यहाँ पे, देखो कितना खूबसूरत है। वो हमारी गाड़ी खड़ी है और एक प्यारा सा डॉग है, गुस्से में है शायद। और ये देखिए आप, चारों तरफ हरियाली और सामने एक रिवर बह रही है वहाँ पे, बड़ी प्यारी क्लीन वाटर है बिल्कुल। और बाग लगे पड़े हैं, देखो पूरे वैली का बड़ा सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है सच में। अब नीचे उतरने वाले हैं वहाँ से आगे जाके और इनसे जाएंगे आगे, देखते हैं बाकी पास जाके कैसा लगता है और इनसे मिलिए। हेलो, इस तरह के काफ़ी खूबसूरत व्यू आने वाले हैं आगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सुंदर है सच में इलाका। और ये देखो आम खा रहे हैं, बाय करो माहिर। मामा भांजा रेस्टोरेंट और पास में ही एक स्ट्रीम, पानी का झरना बह रहा है, ये देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है ये। और यहाँ पे काफी सारे, देखो बाहर से दिखाओ झरना, पूरा मान लो वो आ रहा है ऊपर से झरना नीचे तक, पानी में से पानी है, दिख रहा है सारा कुछ, बड़ा प्यारा साउंड आ रहा है, दिल खुश हो गया। क्या सुंदर रोड है देखो, बहुत ही सुंदर। हे गाय माता, गाय माता खड़ी होगी चुपचाप, समझदार है ना। ऐसे पुल हमको उत्तराखंड में और हिमाचल में देखने को मिलते हैं बहुत सारे। ये देखो यहाँ पे रिवर चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बड़ा ही आनंदमय दृश्य है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। माय देखो इधर मम होता है, माय मम होता है, मम बहुत सारा मम होता है यहाँ पे। ये यमुनोत्री यहाँ से 114 किलोमीटर है, बड़कोट 63 और थथियूड 45 किलोमीटर। हमने बड़कोट जाना है, हमने जाना है बड़कोट और
ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ऊपर तक पहाड़ है, साइड में लग रहा है। देखो तो हमने तो लेफ्ट नदी तक जा रहा था, याद है? ये देखो रास्ता, नहीं जाए इतना दिन पिछली बार। यमुनोत्री यहाँ से है 108 किलोमीटर। अब 114 लिखा था कुछ देर में। 5 किलोमीटर हुआ है ना ट्रैकिंग है। डाउनटाउन यहाँ से 23 किलोमीटर है देखा। और ये जो रेस्टोरेंट है नीचे जा रहा है, देखो ये इसका तो रास्ता। और ये माइंड बाहर के नज़ारे लेना चाह रहा है, देखो भाई गिज्जोगे पीछे रहना बस। कौन था देखो ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, जैसे पहाड़ों में मैगी खाने का मजा है हाँ। ऐसे पहाड़ों में नमक लगा के खीरे खाने का मजा कुछ और है। और ये पहाड़ी खीरे हैं वैसे भी। और क्या क्या बेचते हो आप यहाँ पे? ये रहते हैं। घर कहाँ पे आपका? ऊपर पहाड़ों में। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल जाते हो? बहुत दूर जाते हो। और खीरे कहाँ से लाते हो? ये खीरे लोकल ही है। अच्छा लोकल, काफी अच्छा खीरा है, काफी मतलब वो है, लेकिन सीट ज्यादा है उसमें। कैसा लगा? अभी हम रास्ते में रुके हैं और यहाँ पे झरना चल रहा है, छोटा सा झरना, ये देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पे कार धोई जा रही है, गौरव जी कार धो रहे हैं, सफाई हो रही है कार की। और हम अंदर बैठे हैं, मैं और माहिर अंदर बैठे हैं और बाहर से सफाई चल रही है। और एक और भी हैं जो अपनी कार धो रहे हैं यहाँ पे। और इधर देखिए कितना प्यारा व्यू, और ये पानी आ गया और पानी ने सारा व्यू खराब कर दिया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ब्यूटीफुल व्यू। गाइस गौरव पापा कहाँ हैं? माहिर पापा कहाँ हैं? गौरव पापा कार धो रहे हैं, पापा ने घर पे कार नहीं धोई, घर पे कार का धोने का टाइम नहीं मिलता, बाहर आके कार धोई जा रही है बहुत अच्छे से। यहाँ पे हमने पलम खरीद दिया भैया से। कौन सी जगह है भैया? जगह कौन सी है? बर्नी गार्ड। ये बर्नी गार्ड जगह है। और यहाँ पे देखो ये चल रहा है वाटरफॉल छोटा सा, पानी आ रहा है काफ़ी ऊपर से। और अपनी गाड़ी भी यहाँ पे धोई है अभी, और अभी खीरे ले रहे हैं हम। ये वाले खा के देखो ये मीठे हैं, ये मीठे होंगे पक्का, रख लेना सारे। ये देखो माहिर को, माहिर ऐसे करो हंस के दिखाओ, जैसे माहिर को पता हो वीडियो बन रही है। अभी खीरे भी आ रहे हैं माहिर। अभी खीरे खाओगे आप? खीरे खाओगे? बाहर का यहाँ का बहुत बढ़िया व्यू है, ये देखो आप सामने कितना बड़ा पत्थर है सामने, जबरदस्त ऑसम। सामने देखो व्यू क्या बढ़िया है। और ये लाखा मंडल है यहाँ पे, चक्रता 73 है, टाइगर फॉल 52, और लाखा मंडल यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है। वो आगे वाला तो वो दिख रहा है ना पहाड़ का, खतरनाक सीन है बिल्कुल। सोली के ऊपर से दो मात्राएं काट दी, साली बन जाता है। अच्छा गांव उसे क्या होता है? अच्छा गांव होता है। 8:45 हो चुके हैं और हमने यमुनोत्री रोड के ऊपर यहां पे स्टे किया, होटल अक्षत के नाम से है ये। और ये रहा हमारा रूम, लाइट एक ही है इसमें। ये हमारा रूम है, ट्रिपल बेड रूम है। ये माहिर बैठा है, माहिर
कैसा लगा रूम आपको? ठीक है। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर बालकोनी है। बाहर देखो, यहाँ से सुबह का व्यू देखेंगे, काफी प्यारा सा। अब अंधेरा हो रहा है ना। रूम का साइज छोटा है थोड़ा, बस वैसे ठीक है। गीजर वगैरह सब फैसिलिटी, टॉयलेट काफी बड़ा है यहाँ पे। सफर के पहले दिन ही हमें बहुत ही टेस्टी खाना मिला पूरे दिन में। और एक गर्मा गर्म चाय बन के रेडी हो चुकी है। वो बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश। यहीं पे बैठ के करेंगे एंजॉय चाय का। अंधेरा पड़ा है सारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये व्यू है देखो बाहर का हमारे रूम से, क्या ब्यूटीफुल व्यू है। और नीचे आ रही है पानी की आवाज़, क्योंकि नीचे चल रही है रिवर, रिवर की वॉइस आए बड़ी प्यारी। और बर्ड्स की साउंड आ रही है देखो। चलने वाले हैं थोड़ी देर में यमुनोत्री की तरफ। अभी परांठे ऑर्डर किए हैं हमने, परांठे खाएंगे पहले फिर जाएंगे। तो देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। भैया दही भी दे दो, दही दही हमने ऑर्डर कर दिए, दही भी आ जाएगी। अभी काफ़ी टेस्टी है। तो हमने जो स्टे किया था वो यहाँ पे किया था इस होटल में, काफ़ी शानदार रहा। यहाँ पे खाना भी काफ़ी अच्छा था। हिमालय और माहिर भी रेडी हो चुके हैं। यमुनोत्री का रास्ता भी यही है, इसी रास्ते पे जाने वाले हैं हम। चलें फिर, चलो बैठो। गाड़ी कुछ गंदी हो गई है ना। चलें फिर, सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, जय भोलेनाथ, क्योंकि हम आपकी नगरी में हैं। जय हो, जय कर ले माहिर, जय जय भोलेनाथ। चलें फिर माहिर, माहिर चलें, चलें माहिर, चलो माहिर ने भी बोल दिया।